आप जय हिंद। जय हिंद। सरकार की जानिब से हर घर तिरंगा की मुहिम भी शुरू की गई है। आजादी पर अगर 130 रुपए हम स्पेंड करते हैं इस तिरंगे वाली पगड़ी पर तो कोई मुश्किल नहीं है। आप जरूर आए और ये 130 रुपए वाली पगड़ी भी खरीदें। 75वें यूम आजादी के सिलसिले में तिरंगों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस बार हर घर तिरंगा की मुहिम भी चलाई जा रही है। इस वक्त हम वेवमाल के बिल्कुल सामने मौजूद हैं, जहां पर आपको हर तरह के तिरंगे देखने को मिलेंगे और यहां पर ये लोग तिरंगे बेच रहे हैं ताकि यूम आज़ादी के दिन से पहले पहले लोग तिरंगे खरीदें। इस बार मरकजी सरकार की जानिब से हर घर तिरंगा की मुहिम भी शुरू की गई है और 30-30 रुपए में तिरंगे बेचे जा रहे हैं। आपको बता दें के 75वें यूम आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला शुरू हो चुका है और छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चे यहाँ पर इन तिरंगों के पास जो है वो मौजूद हैं। हर कोई जो है अपने वतन से प्यार करता है। ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के तिरंगे, छोटे तिरंगे, बड़े तिरंगे और उसके साथ साथ जो बैट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, ब्रेसलेट आपको यहाँ पर मिलेंगे, हर तरह की चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इन लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। गाड़ियों में अगर आपने तिरंगा वगैरह लगाना है वो भी आपको जो है मिलेगा। इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये आप एक देख सकते हैं, आई लव माई इंडिया, इस तरह का ये ब्रेसलेट जो है यहाँ पर है, ये भी आप खरीद सकते हैं अगर आप अपने हाथ में लगाना चाहते हैं। इन लोगों से हम बातचीत भी करेंगे और एक एक की कीमत भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? गीता। कहाँ की रहने वाली हैं? राजस्थान के। हर साल आप बेचती हैं यहाँ पर तिरंगे? हर साल बेचते हैं। कैसा रश है इस बार, लोग तिरंगा खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं। ये इसकी कीमत क्या है? 30 रुपए है। 30 रुपए। और इसकी? इसका 10 रुपए ही है। 10 रुपए। तो ये वाला जो है, ये वाला, ये तो 30 रुपए का, ये भी गाड़ी में लगाने वाला है। 30 रुपए का। हाँ। ये वाले, ये छोटे छोटे, ये 10 रुपए का है। 10 रुपए का। सबसे महंगा तिरंगा कौन सा है इनमें से? सबसे महंगा है सूती वाला कपड़ा है। नहीं है ये सूती वाला कपड़ा। हाँ। कीमत इसकी 350 रुपए। 350 रुपए। लोग खरीद रहे हैं इस बार तिरंगे की? कुछ खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं। कैसा काम धंधा, कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। कहाँ पे हो आप? न्याय रहते हैं मॉल के पास में। कितने आज़ादी, यूं में आज़ादी से पहले कितने दिन बेचना शुरू कर देते हो? हम तो अभी इसे कर दिए थे 5 तारीख से। 5 तारीख से शुरू किया। हाँ। 5 तारीख से अभी तक कितने तिरंगे आपने बेचे होंगे? बहुत बेच दिए तो खत्म हो गया माल, करनी है ही नहीं माल। तो 15 से पहले पहले ये खत्म हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। दोबारा क्या लगता है, और माल मंगवाना पड़ेगा? मंगवाना पड़ेगा, बाजार में मिल रहा है नहीं माल। नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। आप कहाँ से लाते हैं माल? दिल्ली से। दिल्ली से। ये जो पगड़ी है, पगड़ी, इस पगड़ी की कीमत क्या है? 120 है। 120। हम उस तरफ से आते हैं, आप भी आए, लोगों को भी हम दिखाएंगे। ये जो सामने है पगड़ी, यानी तिरंगे वाली पगड़ी, हम भी पहन के ट्राई कर लेते, लेकिन इसके साथ जो है वो लिफाफा लगा हुआ है, कोशिश हम करेंगे। ये एक, इसको खोलना जरा, ये पगड़ी भी हमने अब पहन ली है। इसकी कीमत क्या है? 120 रुपये इस पगड़ी की कीमत है और पूरी तिरंगे से बनी हुई ये पगड़ी है, काफ़ी अच्छी लग रही है। 130 रुपये कोई ज़्यादा महंगे नहीं है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप भी इस जगह पर आएँ और 130 रुपये वाली ये पगड़ी, तिरंगे वाली पगड़ी आप ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि ज़्यादा कीमत नहीं है। हम फालतू के कामों में काफ़ी सारे पैसे उड़ा देते हैं, तो यूम आज़ादी पर अगर 130 रुपये हम स्पेंड करते हैं इस तिरंगे वाली पगड़ी पर तो कोई मुश्किल नहीं है। आप ज़रूर आएँ और ये 130 रुपये वाली पगड़ी भी ख़रीदें। वेवमाल के बिल्कुल सामने ये लोग जो है हर साल की तरह इस साल भी तिरंगे बेच रहे हैं और ये तिरंगे जो हैं कुछ बड़े तिरंगे हैं साइज़ में, कुछ छोटे तिरंगे हैं। इसके अलावा ब्रेसलेट आपको आई लव माई इंडिया, इस तरह के ये प्लास्टिक वाले भी आपको ये देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको ये वाले भी मिलेंगे, आई लव माई इंडिया। इसकी कीमत क्या है? 20 रुपये। 20 रुपये इसकी कीमत है। और इसकी 20 रुपये। 20-20 रुपये की, 20-20 रुपये जो है इनकी कीमत है। 130 रुपये की ये पगड़ी थी, बाकी 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। सबसे महंगा जो है वो तकरीबन 400 का सूती कपड़े का जो है वो तिरंगा है। इन लोगों से हम और भी बातचीत करेंगे। तो अगर किसी ने तिरंगे वगैरह खरीदने होंगे, एड्रेस अपना बता दो ताकि वो यहाँ आकर आपसे तिरंगे खरीद सकें। ये मॉल के पास में जी, मॉल के पास में बेच रहे हैं, हमारे मॉल के सामने ये दुकान है। कितने लोग आप यहाँ पर अभी हैं, आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं? हमारे है 4 है। 4 है। हाँ। जय हिंद, 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 जय हिंद। क्या नाम, क्या है? सूरज। कहाँ के रहने वाले हो? शेखरे।
ठीक है। अच्छा यहाँ पे तिरंगे बेच रहे हो, आपका क्या नाम है? शिवराज। कहाँ के रहने वाले हो? भाई हो आप? भाई हो। भाई हो, अच्छा यहाँ पे तिरंगे बेच रहे हो। जय हिंद बोल के दिखाओ। जय हिंद। आप जय हिंद बोल के दिखाओ। जय हिंद। आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, तिरंगे खरीदें और अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करें, क्योंकि इस बार तिरंगा हर घर तिरंगा की मुहिम भी चलाई जा रही है। और देखें थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है और कितने अच्छे से ये तिरंगा जो है वो झूल रहा है। आप भी जो है आए, तिरंगे खरीदें और अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करें। हर शख्स अपने वतन से प्यार करता है, अपने वतन से मोहब्बत करता है। और वेव माल के बिल्कुल सामने से आपको ये तमाम तर तस्वीरें दिखाने की कोशिश की, जहां पर तिरंगों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा भी इस बार जो है 30 रुपये में तिरंगा जो है वो हर घर पहुंचा रही है। हालांकि जहाँ कोई लीडर अगर आ जाए तो उस पर हज़ारों की तादाद में पैसे खर्च कर दिए जाते हैं, लाखों की तादाद में खर्च कर दिए जाते हैं। अगर भाजपा यही तिरंगा मुफ्त में लोगों को बांटती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाजपा को, लेकिन चले खैर 30 रुपये में बेचा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या हर घर में इस बार तिरंगा देखने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई जा रही है, तिरंगा रैलीज की जा रही हैं। यूमे आज़ादी से पहले पहले तैयारियां लगातार जो है वो की जा रही हैं। भाजपा सबसे ज़्यादा इस बार तिरंगा रैलीज कर रही है। अगर कश्मीर की बात करें तो लाल चौक से करगिल वार मेमोरियल तक जो है वो तिरंगा रैली निकाली गई। जम्मू में भी तिरंगा रैलीज निकाली जा रही हैं। और अगर हम आज की बात करें तो हर जगह जो है वो तिरंगा बेचा जा रहा है, ताकि यूमे आज़ादी के रोज़ लोग इस तिरंगे को अपने घर पर लहरा सकें। बड़े तिरंगे भी हैं, साइज़ में छोटे भी हैं, कीमतें भी अलग अलग हैं। आप भी आएँ, तिरंगे खरीदें। तिरंगे की खरीदो फरोख्त के हवाले से आपकी क्या राय है आप भी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए इंक्वायरर टुडे के साथ। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।